बहुत फन है फिल्म में, एक यंग फिल्म है, बहुत एनर्जी है फिल्म में, सब एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। मिडिल क्लास लव बहुत अलग अलग होता है यार, आपका अलग रहा होगा, मेरा अलग रहा है, इनका अलग रहा है, लेकिन उन्होंने एक मैम ने एक कहानी पकड़ के चली है मैम, उसमें उन्होंने मसूरी में सेट किया फिल्म को, कैसे मिडिल क्लास लड़का उसकी एस्पिरेशन है। रत्ना जी के साथ मैंने काम किया है शादी में जरूर आना में, जो बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है और ये उनकी फिल्म है, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे है, हमारी सारी विशेष, हमारा पूरा प्यार उनके साथ है। टिकट खरीदो और जाके देखो, इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म, आई थिंक यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, वेरी वेरी स्वीट फिल्म, इट विल मेक यू स्माइल, इट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक यू फील इमोशनल आल्सो बाय द एंड ऑफ इट, इट्स वेरी स्वीट। हमारा सबसे देश का सबसे बड़ा तबका मिडिल क्लास है, तो आई थिंक सब रिलेट करेंगे। तीनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, दे वेरी वेरी आई होप ऑल थ्री ऑफ देम गेट रियली गुड वर्क आफ्टर दिस, दे रियली गुड एक्टर। यू विल स्माइल, यू विल लाफ, यू विल हैव अ लिटिल इमोशनल मोमेंट एज आई सेड, एंड दिस इज व्हाट हिंदी सिनेमा इज ऑल अबाउट, सो गो एंड हैव फन इन द थिएटर्स। आई नो द स्टोरी ऑफ द फिल्म, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, एक मिडिल क्लास लड़का अपनी मिडिल क्लास नहीं होना चाहता है और कैसे उसकी जर्नी हम देखते हैं थ्रू वट एवर द स्टोरी। आई डोंट वॉन्ट टू से मच बिकॉज द ऑडियंस विल गो टू द थिएटर्स एंड सी, एंड ऑफकोर्स हिमेश इज गिवन as always great music, so I'm looking forward to enjoy the film, that's it. रत्ना जी का जो sensitive approach है फिल्म को लेकर, वो मुझे वैसे भी जब उन्होंने कहानी सुनाई तो इतनी potential और इतनी sensitive तरीके से वो सुनाती है, और उसी से ये music ने जन्म लिया है, एक बहुत ही fresh approach है, actors ने बहुत अच्छा काम किया है, and एक वक्त ऐसा है जहाँ पर एक suddenly एक fresh raw newcomers वाली film, you know, बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, तो उम्मीद है कि वो चेंज इस फिल्म से आएगा। आप देखेंगे तो सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म। सो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही फ्रेश अप्रोच से, एक बहुत ही फ्रेश सब्जेक्ट है, बहुत सेंसिटिवली डायरेक्ट की और जैसे सुनाई गई थी उससे बेटर फिल्म बनी है, तो रहता है आउटस्टैंडिंग, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर पर एक बार लोग ये फिल्म को देखेंगे तो निराश नहीं होंगे, बिकॉज फिल्मों को देखकर कभी कभी इंसान एक्सपेक्टेशंस बहुत लेके जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा फुलफिल होती है, इस फिल्म के साथ वो होने वाला है। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, बिकॉज मेरा थोड़ा बायस भी है क्योंकि प्रीत मेरा बहुत सालों से इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, बट एक लाइट हार्टेड कॉलेज फन ड्रामा देखने को मिल रहा है, सो लॉट्स ऑफ लाफ्टर एंड लॉट्स ऑफ फन। आई थिंक बोथ द गर्ल्स आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, सो आई विश देम ऑल द लक। मेरा अभी धक धक करके एक फिल्म है जो हमने कंप्लीट करी है, और मैं अपनी दूसरी अब नेक्स्ट फिल्म के लिए शूट स्टार्ट कर रही हूँ 15 दिन में, पर वो अनअनाउंस्ड है अभी, तो आई थिंक वी हियर अबाउट दैट सून। धक धक का जॉनर एडवेंचर ड्रामा है क्योंकि हम 4 औरतें बाइक पे ट्रैवल कर रही हैं, तो इट्स एन एडवेंचर ड्रामा। कम काम तो नहीं करती पर सिलेक्टेड काम करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घुस जाती हूँ तो मैं एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती, पर होपफुली आपको ये फील नहीं होगा कुछ सालों। मैं इतना पैसा लगाया, आप बताऊँ भी कैसी लगी मेरे को, बहुत रिलेटेबल, मिडिल क्लास फैमिलीज के घर की जो बेसिक परेशानियाँ, लड़कों की जो मिडिल क्लास बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं उससे डील करती है, स्वीट क्यूट फिल्म है, परिवार के साथ जाके देख सकते हैं।